सो गाइस पैट कमिंस हो चुके हैं आईपीएल 2021 फेज 2 से ऑफिशियली बाहर, जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए एक मेजर लॉस है। लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स ने ये लॉस के भरपाई के लिए पैट कमिंस का रिप्लेसमेंट अनाउंस कर दिया है, जो कि आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। एंड बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट अनाउंस किया है मेरे अकॉर्डिंग, तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये वीडियो, एंड तक देखना। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो लेटेस्ट क्रिकेट अपडेट्स के लिए। आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। तो पैट कमिंस, जिनके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि मतलब ये बहुत पहले से ही कन्फर्म था कि पैट कमिंस पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बिकॉज वो बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड ये उन्होंने बहुत पहले ही अनाउंस कर दिया था, एंड ये मैं आपको बहुत टाइम से बताते हुए आ रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर ही आप कह सकते हो, बिकॉज बहुत ही कमाल के प्लेयर है ये। इसी साल का एक मैच उठा लो, वो चेन्नई सुपर किंग्स वाला, मतलब इतना बड़ा टारगेट था। एंड चेन्नई ने केकेआर का टॉप ऑर्डर उड़ा दिया था, लग रहा था चेन्नई वन साइडेड इस मैच को जीत जाएगा, लेकिन आंद्रे रसल एंड खास करके पैट कमिंस ने चेन्नई का जान हलक मिला दिया था आप कह सकते हो। बट भले उस मैच को चेन्नई ने जीता था, लेकिन कोलकाता ने बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया था, खास करके पैट कमिंस ने बल्ले से। तो ये प्रूव करते हैं गेंदबाज ये कितने अच्छे हैं, हम सभी को पता है, तो सब कुछ ये कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अवेलेबल नहीं होंगे, जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए एक मेजर झटका होगा, मेजर लॉस होगा। लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स ने इनका रिप्लेसमेंट अनाउंस कर दिया है, जो कि न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टीम साउदी है। टीम साउदी बहुत अच्छे गेंदबाज है अनडाउटेडली, एंड T20 फॉर्मेट में अगर देखो तो पैट कमिंस का परफॉर्मेंस उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा था, अगर आप IPL की बात करो तो एज अ बॉलर। तो टीम साउदी अनडाउटेडली बहुत अच्छे रिप्लेसमेंट है, इक्वल आप कह सकते हो पैट कमिंस के गेंद से, ये इक्वली उतना ही अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता ये बैट से उतना अच्छा कर पाएंगे जितना पैट कमिंस कर सकते थे और पैट कमिंस कर रहे थे। लेकिन हाँ, गेंदबाजी से बिल्कुल ही अच्छा कर सकते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा एडिशन हुआ है कोलकाता के अंदर, बिकॉज गेंद से उतना अच्छा पैट कमिंस कर नहीं पा रहे थे। बट स्टिल मेरे हिसाब से तो पैट कमिंस ही ज़्यादा अच्छे होते। लेकिन अगर पैट कमिंस नहीं, तो अगर जितने ऑप्शन हैं उसमें से मेरे हिसाब से तो यही बेस्ट है टीम साउथी, और इनको आप टीम में लेके आ गए हो। सो वेल डन कोलकाता नाइट राइडर्स, मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छी खबर है। अभी देखो थोड़ा बहुत और रिप्लेसमेंट बचा है, जैसा मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि पैट कमिंस का बचा था, स्टोक्स का बचा था, लेकिन अभी कमिंस का भी आ चुका है, तो अब बस स्टोक्स का बचा है, उनका भी जल्दी आ जाएगा, बेन स्टोक्स का राजस्थान रॉयल्स के, तो हर एक स्क्वाड कंप्लीट हो जाएगा। कमेंट्स में लिखकर बताओ आपका इस रिप्लेसमेंट के बारे में आपका क्या कहना है, आपकी क्या टिप्पणी है, कमेंट्स में लिखकर बताओ। और अभी के लिए थोड़ा मस्जिद नहीं, तो अभी के लिए बस ही दौड़। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चलो कमेंट्स में लिखकर बताइए कैसे लगा, आप अच्छी लगी, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को बजाइए, ताकि मैं जैसे अगली वीडियो में नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और आपको कुछ नहीं करना, बस अगली वीडियो के लिए वेट करना है।